पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? लाहौर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तैबा। बेबा? तैबा। 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 आज से तुम मेरा भाई नहीं है। हाँ, आज से वो तुम्हारा भाई नहीं है, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है? उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैं तो बैठा हूँ। हाँ। इंडियन के लोग से मैं मिली हुई हूँ, अच्छे होते हैं। मेरी तरह तो नहीं होते, बुरे। बुरा हूँ मैं? बिल्कुल इतने भी नहीं हूँ। हाय हाय, कैमरामैन जल्दी फोकस। समझ रहा है भाई तू? भाई समझ रहा है? समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। तू भी लग गई है बात का। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। हाय, इतना बुरा नहीं हूँ मैं। हाय, अच्छा हूँ। अरे यार, मुझे मैसेज आ रहे हैं भाई, देख ले। पता नहीं यार क्यों नहीं। तो कितने साल? 19 की हो तुम? तुम 19 की लगती नहीं हो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बताओ यार, करती क्या हो तुम? मतलब इंस्टेड ऑफ पढ़ाई वढ़ाई और कुछ? और मैं एनिमेशन। एनिमेशन करती हूँ? ये क्या है? मतलब अभी मैं इतनी ज्यादा अच्छे से भी नहीं करती कि... ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई। सही नहीं कह रहा, इंडियन अच्छे नहीं होते भाई। इंडियन मुझे नहीं अच्छा लगता। रुक, तेरे को बता। मतलब वो वैसे तो अच्छे होते हैं, पर वो जिसकी पूजा करते हैं वैसे नहीं ना। तो पूजा करते हैं उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब अगर हिंदू पूजा करते हैं तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? जो तुम लोगों का भगवान होता है वो रियल में तो नहीं है ना। कौन कह रहा है रियल में नहीं है? तुम्हारा जो वो रिलीजन है वो कब पैदा हुआ? अभी कुछ साल पहले। हमारा कब से आ रहा है? तुम गूगल पे भी सर्च करोगे, सबसे पहला धर्म और सबसे पहले लैंग्वेज कौन सा है तो वो संस्कृत है। जो चीज इतनी पुरानी है वो इतनी गलत तो नहीं हो सकती। तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? मैं तो श्री राम को जानता हूँ, बस बस श्री राम को। उनको जानते हो जिनका मैंने अभी नाम लिया? कभी नाम सुना? नहीं सुना। तुम जानते हो श्री राम को? तुम जानते हो? हाँ। तो यही तो हमारे श्री राम की महिमा है, श्री राम को सब जानते हैं। और वो पाकिस्तान में अभी वैसे हालात ठीक हैं? क्योंकि मैंने कुछ न्यूज व्यूज में देखा था हालात खराब चल रहे हैं। या फिर तुम पाकिस्तानी हमसे इसलिए गुस्सा रहते हो कि तुम्हें कश्मीर नहीं मिल रहा है? ये तो रीजन नहीं है। नहीं, असल में तो इंडियन लोग कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा? कश्मीर पूरा हमेशा खाली रहता है, लोग अंदर रहते हैं घरों के अंदर, डर से बाहर नहीं निकलते। कंट्रोल बम कौन फेंकता है फिर वहाँ? वहाँ जो आतंकवादी हमले कर होते हैं कश्मीर में, जो वहाँ दंगे होते हैं, वो कौन करता है? वो भी भारत का नाम ले लेगा, उसके लिए वहाँ गोली। कश्मीर में जो धमाके होते रहते हैं ये इंडियंस करते हैं, धमाके जो उड़ा देते हैं, जो दीवार कूद के आते हैं, जो फिर गोलियों से मारे जाते हैं, गोली जाएगी अंदर, वो हिंदू होते हैं। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। कह रहा था अगर तुम्हें पूरा कश्मीर मिल भी जाए, अगर तुमको जैसे कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, तुमको कश्मीर मिल भी जाएगा तो तुम क्या करोगे कश्मीर का? बस रिलीज कर दो बस। रिलीज क्या, हमने पकड़ रखा है उसे? हाँ, उसे कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। अच्छा, हमने कश्मीर को कैद किया हुआ है? हमने तो तुमको भी कैद किया हुआ है, पाकिस्तान को भी कैद किया हुआ है। कब? पाकिस्तान कैद में ही तो है यार। कब है कैद में? तुम्हारे पास अपना है ही क्या? जमीन तो हमारी दी हुई है तुम पे, अखंड भारत की धरती पे हो यार तुम। कहाँ से आया तुम्हारे पास जमीन? तुम लाइक तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस भी नहीं है तुम्हारा, तुम कहाँ से आए हो? मतलब बस हम तुम्हारी जमीन पे हैं बस। पाकिस्तान अभी बॉर्न हुआ है कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले। अच्छा, पाकिस्तान आजाद कब हुआ था? 1900 कितने में आजाद हुआ था पाकिस्तान? 1970। पढ़ाई क्या करते हो तुम? मैं साइंस, कंप्यूटर साइंस। पाकिस्तान में है साइंस? मतलब जानते हैं साइंस? हाँ, तो और क्या। तो बात तो ऐसी करते हैं बिना लॉजिक वाली। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसा लगा था जो इंडिया है वो चांद पे पहुंच गया? इंडिया चांद पे कब पहुंचा? अच्छा तुम पूछ रहे थे ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर कभी लड़ाई हुई तो पता क्या होगा? अगर कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर फाइट हुई भी तो जो पाकिस्तान है ना वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर आने लग जाएगा। क्यों? पाकिस्तान बचेगा ही कहाँ। Oh!
करना पड़ेगा मेरे आगे।